गाइस, आपको जो है मेरा आज का बेड वाला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जैसे कि गाइस, मैं आपको हर छोटी बड़ी खुशी मैं जो है शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है मैं आप सभी को अपना फैमिली फ्रेंड्स जो भी आप लोग समझें दोस्त वगैरह सब कुछ मानती हूँ। तो हर किसी शेयर करना जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इसलिए आपको बताती हूँ, मैं छोटी से छोटी चीज़ बड़ी चीज़ जो भी लेती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। इनफैक्ट मुझे दिखाने में बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे मेरा भी कोई एक फैमिली मेम्बर हो और अच्छी सी फैमिली हो, कि मैं उसे अपनी हर चीज़ें शेयर करूँ, खुशी की हो गम की हो। और जैसे कि मैं छोटी बड़ी चीज़ कुछ भी लेती हूँ तो मैं आपको जरूर दिखाती हूँ। तो गाइस, काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई हूँ और बस यही, थोड़ी गर्मी कम हो जाए तो मैं बहुत ही अच्छे से सोऊंगी। और मेरे रूम में बिल्कुल भी रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि पूरे रूम में बेड हो गया है और मेरा रूम बहुत ही छोटा है। बहुत सारे सामान है मेरे रूम में, दिखा दूँ आपको एक बार, दिखाई देती हूँ क्योंकि आपको वैसे तो डेली दिखा नहीं पाती हूँ, तो आप दिखाई देती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा सिलाई मशीन हो गया और देख रहे, एक किनारे से देखते जाइएगा कितने सारे सामान पड़े हैं मेरे रूम में। तो ये फ्रिज हो गया और पीछे भी दिखाती हूँ, पीछे भी बहुत सारे सामान हैं। तो यहाँ पे ये कुर्सी हो गया और क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी नीचे एक सिलाई मशीन है, दो बक्से हैं और ये अलमारी हो गया। उसके बाद में उधर भी वो बक्सा है और उसके ऊपर भी कितने सारे सामान पड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो क्या करूँ, बहुत सारे सामान हो गए। अभी जस्ट यही जो है, यही रास्ता है, अभी मुझे इतने में ही जाना है। बहुत ही प्रॉब्लम हो गई है, बट कोई नहीं, मैनेज कर लूँगी मैं धीरे धीरे करके। तो गाइस, आप लोगों ने देख लिया तो मेरा सामान कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। तो गाइस, मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है और फिर भी मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि जिस दिन लो सामान उस दिन ना दिखाओ तो मज़ा थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो मुझे गर्मी भले ही लग रही थी लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखाया। तो आपको मेरा सामान कैसा लगा, बेड और ये बेडशीट, कल बेडशीट बिछा के मैं एक बार दिखा दूँगी पूरा लुक कैसा दिख रहा है। तो बाय बाय फ्रेंड।